हेलो गाइस, कैसे हैं आप। शशि शर्मा किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सर्दियों का स्पेशल अचार, जिसको कहते हैं जो पराठे के साथ खाया जाता है, बहुत टेस्टी लगता है। बहुत सब पराठे के साथ बहुत स्वाद के साथ खाते हैं। ऐसे तो अचार जिनको पसंद है वो बहुत सभी चीज़ों के साथ खाते हैं, लेकिन पराठा जब बनाएंगे तो आपको इस अचार की जरूर याद आएगी। ये है मिर्ची का अचार, लाल मिर्ची का। देखिए, मैंने ये मिर्ची हाफ के जी मिर्ची ली है। मैं बहुत अच्छे से छांट के और साफ साफ मिर्ची लेके आई हूँ। बिल्कुल मार्केट में बहुत टाइप की मिर्ची आती है, लेकिन बाई चांस मेरे को बहुत अच्छी मिर्ची मिल गई है। बहुत मोटी मोटी है और साफ है बिल्कुल। तो खरीदते समय बिल्कुल इस बात का ध्यान रखें। मैं आपको थोड़ा कुछ बताना चाहूंगी इसके बारे में कि जब मिर्ची लें तो आजी और कहीं भी गली सड़ी ना हो, इस बात का ध्यान रखें। कहीं से कट ना लगा हो, कहीं से दबा हुआ ना हो, कहीं से मतलब खराब होने की कंडीशन में ना हो। बिल्कुल पूरी तरह नीट एंड क्लीन मिर्ची होनी चाहिए अचार बनाने के लिए, नहीं तो अचार आपका खराब होने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अब हम जब बिल्कुल पूरा सफाई का ध्यान रखते हैं, सबसे मेन चीज अचार बनाने में सबसे मेन है सफाई। सफाई का ध्यान रखें तो ये सब मिर्ची मैंने अच्छे से धो के पानी में, डंठल नहीं हटाया पहले। अगर हमने डंठल पहले हटा दिया तो फिर क्या होगा, ये पानी अंदर घुस जाएगा और अचार खराब हो जाएगा। इसलिए मिर्ची डंठल वाली लेकर आए मार्केट से, जब लेकर आए ध्यान रखें डंठल हो मिर्ची में, और उसको साबुती ऐसी पानी से धो के दो बार और मैंने रख दिया। पानी अलग निकाल दिया पूरी तरह से, फिर मैंने इसको धूप में रख दिया। 3-4 घंटे इसको धूप लगाई है मैंने। इसको मैंने कपड़े से रुमाल से साफ से पोंछ लिया है, अच्छे से ऐसे तरीके से डंठल निकाला है, वो ऊपर से बिल्कुल वो फटेगी नहीं। ठीक है, ऐसे हो गया। और मैंने जैसे ये मिर्ची है, इस मिर्ची का यहाँ पे अंदर दबा हुआ पोर्शन है यहाँ पे, तो मैं यहीं पे कट लगाऊंगी बीच में। ये ऐसे करके इसको देखो, मैं देख रहा आपको ऐसे है ना, सीधा इसमें ऐसे कट लगाऊंगी। ठीक है, जब मैं इसको कट लगा के ऐसे, और मैं फिर दोबारा इसको थोड़ी देर रख दूंगी, और आधा घंटा में फिर दोबारा से इसको अचार बनाऊंगी इसका। तब मसाले इतने तैयार कर दूंगी, इतने थोड़ा और थोड़ा सा वो ड्राई हो जाएगा अंदर का पोर्शन। बिल्कुल कहीं भी इसमें मतलब कट नहीं होना चाहिए पहले से, बिल्कुल पूरी तरीके से क्लीन। इसके बीज अंदर जो हैं वो हम चाहें तो उसमें से निकाल के मसाले में मिला के तब हम इसको भर सकते हैं, चाहें तो इसमें इसमें छोड़ देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये वाली मिर्ची जो है ये तीखी नहीं होती है, ये बिल्कुल अचार के लिए बनी है, तो वो मतलब ऐसे मिर्ची का तीखापन जो होता है वो नहीं होता। अब ऐसे हम इस मिर्ची को ऐसे ऐसे हमारी मिर्ची आराम से रुक जाती है, तो हम इसी हिसाब से कट लगाएंगे इसको। ठीक है, इस मैंने बीच में कट लगा दिया। अब जब मैं करूंगी तो हाथ से इसको पूरा ऐसे करके और उसको अंदर से ऐसे लगा के मसाला भरूंगी, तो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे लगाऊंगी। क्योंकि अंदर का कोई भी पोर्शन है ना मिर्ची का, बिना मसाले लगे नहीं रहना चाहिए। क्योंकि मसाला जो होता है उसमें नमक होता है, तेल होता है, सब कुछ जो चीजें होती है ना, उसी से वो अचार मतलब प्रिजर्वेटिव का काम करता है। रख दूंगी यहाँ बाहर, धूप आ रही है थोड़ी सी देर के लिए, इतने आधा घंटा के लिए, तो मसाले तैयार करूंगी और फिर इसमें ऊपर बांटूंगी। कट जो लगा है थोड़ी सी अंदर, जो इसी का अपना जो नमी होती है अचार इसकी मिर्ची की, वो और थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी। ठीक है, या तो हम धूप में भी 3-4 घंटे उसको रख सकते हैं, जिससे उसकी नमी हो जाए, नमी चली जाए। अगर धूप नहीं है किसी के घर में, तो गैस पे इसको मसालों को साफ करके भून के और उनको थोड़ा हल्का सा रोस्ट कर लें, ज्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा, जिससे उसकी नमी खत्म हो जाए। इसके लिए मैंने एक ये छोटी कटोरी एक सौंफ डाली है। मैं सौंफ डाल रही हूँ पहले, गैस जला दी है मैंने, बिल्कुल हल्का हल्का रोस्ट करूंगी मैं, ज्यादा नहीं करूंगी। और एक कटोरी ही मैंने डाला है धनिया, ये एक कटोरी डाली है, एक कम की कटोरी थी। और एक कटोरी धनिया डाला साबुत, मसाले मैंने सब साफ कर दिए, इनकी नमी जो होगी ना सब बाहर आ जाएगी। अभी इसमें गैस को कर रही सिम, कढ़ाई गर्म होगी तो गैस को सिम करते हैं, मसाले जलने नहीं चाहिए। अगर किसी नमी इनमें हो जाती है तो ठंडे होके ये बिल्कुल सूख जाते हैं। अब इसमें मैं डालूंगी, मैं जीरा डालूंगी थोड़ा, लेकिन उतना एक कटोरी डालूंगी। उसमें सौंफ और धनिया ही ज्यादा, सबसे ज्यादा इसमें सौंफ डाली जाती है, हाफ कटोरी से भी कम है डाला है मैंने थोड़ा जीरा। मसाले उतने ज्यादा मतलब बचेंगे, जो आधी किलो मिर्च है उसके हिसाब से मैं बना रही हूँ। देखिए ये हो गई है हल्की सी रोस्ट, इसमें लाल नहीं करना इनको, पर गोल्डन हुआ नहीं है उससे पहले निकाल दिया। एक कटोरी हमने राई, कढ़ाई गर्म है, हमें इसको ज्यादा भूनना नहीं है, हल्का सा बस नमी खत्म करनी है मसालों की। मैंने सारे मसाले बाहर कर लिए हैं, निकालने हैं ठंडा करने के लिए। कम तेल डालूंगी, ज्यादा तेल नहीं डालूंगी मैं, एक कटोरी
वही सेम एक ही कटोरी से नाप ले रही हूँ मैं सारी, बिकॉज चटनी वाली छोटी कटोरी है ये, और मैंने दूसरी कटोरी डाली है, दो कटोरी। इसमें से तेल ये बच जाना चाहिए, ज़्यादा हो जाना चाहिए इसको तेल ज़्यादा, मैं अलग से एक्स्ट्रा ऊपर से नहीं डालती हूँ। अचार में हमारे ठंडे हो गए हैं, मक्से अचार में मैं मसालों को दरदरा पीसूंगी। वे धुआं आने लगा है और मैंने गैस को बंद कर दिया है, मसाले डालूंगी मिक्स करूंगी इसी में, इसलिए मैं तेल इसमें से एक्स्ट्रा जो तेल मुझे लग रहा है उसको मैं बाहर करूँ। दरदरा पीसा सा धनिया और सौंप और जीरा ये मैं इसमें डाल रही हूँ, ये मैंने डाल दिए। मैं डालूंगी हल्दी, हल्दी भी मैं एक कटोरी के लगभग डालेगी इसमें, हल्दी डल जाएगी एक कटोरी, ना एक कटोरी हल्दी डालती हूँ ये ना। ठीक है, ये हल्दी डाल दी है मैंने एक कटोरी, क्योंकि हल्दी मैंने इसमें तेल में थोड़ा थोड़ा सा, ये गर्म है तेल, हल्दी मैंने इसलिए डाल दी इसमें क्योंकि ये हल्दी थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी मैंने डाली है इसमें लाल मिर्ची, जिससे कलर थोड़ा अच्छा बन जाए, क्योंकि ये मिर्ची जो होती है ये तीखी नहीं होती है। हाफ कटोरी डाली है, हाफ से भी कम रहने डाली है थोड़ी मिर्ची। ये मिर्ची ना अमचूर डालूंगी, ना नींबू डालूंगी, ना विनेगर डालूंगी इसको पॉजिटिव करने के लिए, खाली मैं इसमें अमचूर डालूंगी। अमचूर से ये अच्छा तीखा अचार बन जाएगा खट्टा। ये मैंने डाल दिया अमचूर, मैंने यानी कि जो यूज कर रही हूँ मैं डब्बे में नमक, वो नहीं लूंगी, कहीं उसमें आटे का या कहीं का कुछ हाथ लग जाए, इसलिए सफाई का ध्यान रखें, बिल्कुल अलग से नमक लें। मैं सेंधा नमक डाल रही हूँ, मैं सेंधा ही नमक घर में यूज करते हैं तो मैं सेंधा ही डालूंगी। मैंने एक कटोरी नमक डाला है छोटी हुई चटनी वाली, उससे ज्यादा नमक नहीं डालूंगी मैं, क्योंकि नमक मैं टेस्ट के हिसाब से डाल रही हूँ, मैं कोई पेजेटिव के लिए नहीं डाल रही। मैं नमक उतना डालती हूँ किसी भी अचार में जितना मेरे को टेस्ट के लिए नमक चाहिए। ज्यादा नमक से पेजेटिव का काम तो करता है लेकिन क्या है ना, वो हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। देखिए ऐसा हो गया है मसाला, अभी थोड़ा मुझे सूखा लग रहा है, अभी अभी मैं थोड़ा इनमें जो मैंने तेल निकाला है उसमें से और डाल दिया मैंने, आधा आधा ऐसा कटोरी तेल और डाल दिया है। मिर्ची में तो ये सब ठंडा होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए, मिर्ची तो मैंने तैयार कर ली है अच्छे से। और अब ये हमारी रह गई राई, राई जो मैंने राई बोलते हैं इसको, जो सरसों बोलते हैं लोग, सरसों ही राई है ये, इसको राई बोलते हैं, ये खट्टी होती है, वो मैं डाल दूंगी इसमें। इसमें मैंने जो राई पीसी थी वो अलग से पीसी थी धनिया सौंप से दरदरी, उसको मैं ऐड कर रही हूँ। अब इसका नमक चेक करने के लिए, अगर किसी को लगता है कि भाई नमक कितना ग्राम डालें कैसे डालें, तो अब हमने सब मसाले मिक्स कर लिए हैं, नमक भी डाल दिया हमने इसमें, तो अब हम इस मसाले का नमक चेक कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है चेक करने में, चख के देख लीजिए आप जैसा आपका नमक का अगर टेस्ट है उससे थोड़ा हल्का सा, मतलब अच्छा नमक होना चाहिए जो जिससे चटपटा लगे अचार, और वो मिर्ची जो है उसमें तो नमक है नहीं अलग से, यही नमक उसमें काम करेगा, जिसके उस तरह का नमक होना चाहिए। जरा सा नमक लें उसमें, अब जैसा बिल्कुल सही है, तेज नमक है। तेल जो मैंने थोड़ा सा रखा था कटोरी में अलग, उसमें मैं डब्बे में, जो डब्बा मैंने अच्छे से गर्म पानी से साबुन से अच्छे से धोया है, साफ किया है, धूप में सुखाया है, पोंछ के अच्छे, बिल्कुल डब्बा क्लीन होना चाहिए, डब्बा चाहे आप कांच का बोट लें चाहे कोई भी लें, लेकिन क्लीन होना चाहिए, कहीं भी कुछ भी कोई स्मेल ना हो डब्बे के अंदर, और अंदर कुछ ना हो, बिल्कुल साफ कपड़े से और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें सबसे मेन। और डब्बे में इससे तेल को मैं डाल दूंगी और उस तेल को मैं पूरे डब्बे में फैला दूंगी। ठीक है, ये ऐसे इस तेल को फैला दूंगी मैं सारे में, जिससे ये चारों तरफ इसका पॉजिटिव का काम करेगा। ये देखो मैंने घुमा के पूरे में फैला लिया है, देखो इस मिर्च को ऐसे, ये ऐसे हाथ से ऐसे कर लो अंदर तक और मसाला भरो।
ऐसे अंदर तक इसमें पूरे अच्छे से भर दो, मतलब मिर्च अंदर तक नीचे तक मसाला उसमें जाना चाहिए, कोई जगह मिर्च के अंदर ऐसी खाली ना बचे कि इसमें मसाला नहीं है, जिससे ये मसाला जो ना मिर्च के अंदर सारे पोर्शन पे सब पे लग जाएगा ना, चिपक जाएगा, तो ये पेजेटी का काम करेगा, ये इसको खराब नहीं होने देगा। फिर ऐसे ही पूरा भर दिया आगे इस पर, और इसको ऐसे नीचे रख, ऐसे मैं हाथ से नीचे ऐसे सेट करती चली जाऊंगी डब्बे में एक एक मिर्ची को। दिया और ऊपर से ऐसे बंद कर दिया, ऐसे बिल्कुल पूरा अच्छे तक अंदर तक दबा के भर दो और ऊपर से बिल्कुल ऐसे बंद कर दो। और अच्छे से डब्बे में सेट कर दो नीचे करके, सारी मिर्ची में ऐसे इसमें सेट कर दूंगी डब्बे में, फिर थोड़ी सी कल तक ही नीचे हो जाएंगी अपने आप ही और नीचे पहुंच जाती हैं, फिर जब गलने लगती हैं तो भरा डब्बा होगा तो आधे से बंद पर तो हो ही जाएगा, उसमें ऐसे लगता है कि कितना नीचे जा चला गया है। ऐसे ही मैं सारी मिर्ची कर, देखिए कि ये अचार पूरा मसाला यूज हो गया है, देखो ये जरा सा मसाला बचा है बस एक स्पून के बराबर, और ये देखिए मेरी टोटल पूरा ये तब बड़ा ये जार इतना इतना भर गया है ऊपर तक, मैंने अच्छे से इसको लगातार इसको ऐसे सेट किया है और पूरा अचार बढ़िया। अब ये धूप में इसको मैं 3 दिन तक धूप में रखूंगी और ये फिर नीचे पहुंच जाएगा, और भी ऐसे तो नीचे इतने इतना ज़्यादा तो नहीं जाएगा क्योंकि मैंने ऐसे आराम से सेट कर दिया है इसको, और इसमें जो यहाँ पे ये हद तक पानी आ जाएगा ऐसे, मतलब पानी मतलब नमक का पानी बन जाएगा इसका, जो तेल इसमें मैंने जो उसमें मसाला मैंने जो डाला है वो तेल वो उतना ही डाला है जितना मसाले को मतलब गीला करने के लिए जरूरत है उतना तेल डाला है, खाली छोटी जो जिस कटोरी से मैंने जो चटनी वाली कटोरी है उससे ही मैंने सारे मसाले माप किए थे, तो उसी से मैंने 2 कटोरी तेल डाला है इसके अंदर पूरा, लगभग लगा लो 100 ग्राम तेल डाला होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा वो, पूरी आधी किलो मिर्च में मेरा, अब ना मैंने इसमें कोई पॉजिटिव डाला है ना मैंने इसमें कोई ज़्यादा तेल डाला है और ना मैंने नींबू डाला, अमचूर डाला मैंने पॉजिटिव के लिए, और नमक उतना डाला जितना मेरे को स्वाद के लिए चाहिए, जैसा हमारा टेस्ट है तो वैसा ही डालें, कुछ ख़राब नहीं होगा। इसको धूप में रखें और धूप में 3 दिन रखें और इसको आराम से अंदर छाया में रखें, ना ज़्यादा ठंडी जगह में, फ्रिज में रखने की भी जरूरत नहीं है और ना ज़्यादा गर्मी वाली जगह में रखने की जरूरत है, पूरी सर्दी तो रखा ही रहेगा कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, गर्मी वाला मौसम भी आएगा तो ज़्यादा गर्म वाले एरिया में अचार कभी नहीं रखना चाहिए, अचार का डब्बा हमेशा ऐसी जगह पे होना चाहिए जो ठंडक वाली जगह हो, फ्रिज नहीं, फ्रिज से बाहर नॉर्मल टेम्परेचर की जगह जैसे घर के अंदर होती है कहीं पे भी, तो वहां ऐसी जगह पे अचार को रखना चाहिए। ये अब तैयार है, बनाएं खाएं एंजॉय करें, अपने अनुभव शेयर करें शशि शर्मा किचन में, मेरा चैनल का नाम है, और कोई भी क्वारी हो किसी टाइप की भी कोई जानकारी लेनी हो किसी कुछ हो तो मुझसे मैसेज करें, मैं आपके क्वेश्चन का ज़रूर जवाब दूंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और देखते रहें, एंजॉय करें, अचार खाएं पराठे के साथ। थैंक यू, वेलकम, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।